गाइस, जब भी आप किसी शॉप में कोई स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि विद कंपेयर टू आईफोन, एंड्रॉयड फ़ोन की प्राइसेस भी कम है और उनकी स्पेसिफिकेशंस भी आईफोन से बेटर हैं। एंड हाई प्राइसिंग के बावजूद भी कई लोग आईफोन ही प्रिफर करते हैं। और मूवी में भी अगर कोई एक्टर स्मार्टफोन यूज़ करता है तो उसके हाथ में आपने ज़्यादातर आईफोन ही देखा होगा। तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि इतने हाई प्राइजेस और कुछ कमियों के बावजूद भी लोग आईफोन लेना क्यों प्रिफर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर आईफोन एंड्रॉयड से बेटर क्यों है। हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड यू आर वाचिंग टेक वर्ल्ड। रीजन नंबर 1, आईफोन्स आर फास्टर। अगर आप लेटेस्ट आईफोन यानी कि आईफोन 12 के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें जो चिप यूज़ हुई है वो है A14 बायोनिक चिप, जो कि किसी भी लेटेस्ट एंड्रॉयड में लगे हुए फास्टेस्ट प्रोसेसर से भी ज़्यादा फास्ट है। वेल, अगर एक एग्जांपल समझे तो आईफोन XS में लगा हुआ A12 बायोनिक चिप सैमसंग गैलेक्सी S10 में लगे हुए स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर से फास्ट है। जैसे कि आप Geekbench 4 में इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि आखिर आईफोन सैमसंग से परफॉर्मेंस के मामले में ज़्यादा आगे है। वेल, Geekbench 4 में आपने आईफोन और सैमसंग के बीच में जो ये डिफरेंस देखा वो आज के कंपैरिजन में पहले ज़्यादा था, बट ऑल थैंक्स टू स्नैपड्रैगन प्रोसेसर कि उसने खुद में कुछ इंप्रूवमेंट लाई जिससे कि आईफोन और एंड्रॉयड के प्रोसेसर के बीच डिफरेंस थोड़ा कम हो सका। बट इसके बावजूद भी जहां सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस ने 10,772 का स्कोर बनाया है, वहीं पर आईफोन XS ने हाईएस्ट 11,420 का स्कोर बनाया है। इतना ही नहीं, अगर आप लेटेस्ट आईफोन में अपने वीडियो को रेंडर करते हैं तो वहां पर आपको जहां 39 सेकंड्स लगते हैं रेंडरिंग में, वहीं पर एंड्रॉयड उसी काम को करने में लगभग 2.5 मिनट ले लेता है। वेल, इसी स्पीड डिफरेंस के कारण ही आईफोन्स ऑगमेंटेड रियलिटी का एक्सपीरियंस लेने के लिए बेटर डिवाइसेस माने जाते हैं। रीज़न नंबर 2, आईफोन्स आर द ईजिएस्ट फ़ोन टू यूज़। वेल, आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड फ़ोन कई तरह के हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। इसके साथ ही उसके UI में डिफरेंस के कारण हर एक स्मार्टफोन को यूज़ करना इतना आसान नहीं है जितना कि आईफोन में। फ्रॉम आईफोन फर्स्ट 2G टू आईफोन 12, जितने भी आईफोन्स हैं उसमें सेम UI प्रोवाइड किया गया है और आज भी उसको यूज़ करना उतना ही ईजी है जितना कि पहले हुआ करता था। चाहे बात हो उसके UI ड्रॉप डाउन मीनू, ड्रॉप अप मीनू या फिर एप्स लॉन्च के बारे में, आज तक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं। एक्चुअली आईफोन इजी टू ऑपरेट है, इसीलिए मूवीज़ में एक्टर एक्ट्रेसेस ज़्यादातर आईफोन ही प्रिफर करते हैं। बट यस, एक बात कहनी पड़ेगी कि आईफोन ने अपने मॉडल में कुछ चेंजेस ज़रूर किए हैं, जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट S Siri, लाइव फोटोज एडिटिंग, बेस्ट फेस अनलॉक सिक्योरिटी के मामले में आईफोन ने खुद को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया है। रीज़न नंबर 3, बेस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ आईफोन। वेल, एप्पल हमेशा से ही खुद की एडवांटेजेस को लोगों के सामने डिस्क्लोज करते आया है और लोगों को अट्रैक्ट करता आया है। यहीं पर अगर एक आईफोन के फीचर की बात करें जो कि है Face ID, एंड ये आपको हेल्प करता है आपके फ़ोन में लॉग इन करने के लिए। वेल, ये आईफोन आपके फेस को स्कैन करने के लिए ट्रू डेप्थ सेंसर का यूज़ करता है, जो कि आज तक कई कंपनीज ने ट्राई किया बट कोई भी इस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाया सिवाय आईफोन के। आईफोन का एक फीचर जिसका नाम है एनीमोजी एंड मेमोजी, ये बेस्ट एग्जांपल्स है आईफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ में वर्क करने का। यहाँ तक कि सैमसंग ने भी अपने बेस्ट ऑगमेंटेड रियलिटी इमोजीज इंट्रोड्यूस किए, बट वो इतने अच्छे नहीं थे जितना कि आईफोन में प्रोवाइड किए गए थे। रीज़न नंबर 4, OS अपडेट्स व्हेन यू वांट देम। वेल, जो रीज़न है इसको सुनकर एंड्रॉयड लवर्स को थोड़ा दुख ज़रूर होगा। 2013 में जब आईफोन यूजर्स iOS 12 का यूज़ 4 साल से कर रहे थे, एंड देन जब न्यू iOS इंट्रोड्यूस हुआ तो उस टाइम 83% आईफोन में उसका अपडेट अवेलेबल हो गया। एंड 2019 में जब एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन पाई रिलीज हुआ तो उसके पहले वाला एंड्रॉयड वर्जन जो कि ओरियो था उसका अपडेट सिर्फ 19% स्मार्टफोन में ही अवेलेबल था। वेल, ये भी आईफोन के एंड्रॉयड से बेटर होने का एक सीरियस रीज़न है। रीज़न नंबर 5, द बेस्ट एप्स फर्स्ट। वेल, नाउ iOS और एंड्रॉयड दोनों ही फ़ोन्स में खुद के ऐप स्टोर अवेलेबल हैं जिनमें आपको मिलियंस ऑफ ऐप्स देखने को मिलती हैं। बट जब भी कोई डेवलपर अपनी न्यू ऐप इंट्रोड्यूस करता है तो सबसे पहले वो iOS के ऐप स्टोर में उसको अपलोड करता है। और वहीं पर अगर बात करें गूगल प्ले स्टोर की तो ये ऐप स्टोर के नेटफ्लिक्स की तरह है, यानी कि इसमें आने वाली ऐप्स भले ही हिट होती हैं बट सबसे पहले ये iOS प्लेटफॉर्म में अपलोड की जाती हैं। चाहे बात करें फोर्टनाइट, सुपर मारियो या फिर हाई क्वालिटी ट्रिविया की, आईफोन की बाद ही ये सारी एप्स एंड्रॉयड में लाई गई थी। सो गाइस, बात साफ है कि अगर कोई भी खुद को सेकेंड ऐप यूज़र की तरह ट्रीट नहीं करना चाहता है तो इस मामले में उनके लिए आईफोन ही बेस्ट है।
रीजन नंबर 6, नो ब्लॉटवेयर। फिर जब भी आपने कोई नया एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें कई तरह के ब्लॉटवेयर्स आते हैं। जब भी उसमें चाहे इंटरनेट ऑन हो चाहे ऑफ हो, कई सारी एप्लीकेशंस की, कई सारी गेम्स की एडवर्टाइजमेंट्स हमेशा उसमें पॉपअप होती रहती हैं, एंड यहाँ तक कि उसको हटाने का कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। बट वहीं पर अगर बात करें आईफोन की, तो उसमें आपको एक भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आईफोन में आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिल जाएंगी, बट स्टिल आप उसमें से कुछ को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, और अगर जिनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट उस ऐप में डिसेबल का ऑप्शन ज़रूर दिया रहता है। सो आईफोन ख़रीदने का ये भी एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। रीज़न नंबर 7, इट वर्क्स ब्यूटीफुली विद मैक्स। वेल, अगर आपने अभी तक मैकबुक यूज़ नहीं किया है तो आपको नेक्स्ट फीचर जान के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। सो गाइस, फीचर है आईफोन और आईफोन मैकबुक के साथ में वर्क करने का। अगर इसको एक एग्जांपल समझे तो मैकबुक के ओएस का एक फीचर है जिसको कहते हैं कॉन्टीन्यूटी फीचर। इसको यूज़ करके अगर आप आईफोन और मैकबुक को एक दूसरे के करीब लाते हैं, तो ऐसे में जो मैसेजेस आप अपने आईफोन से भेजते हैं वो अपने मैकबुक से भी इजीली भेज सकते हैं बिना उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से कनेक्ट किए। इतना ही नहीं, आप अपने आईफोन को मैक से कनेक्ट करके अपनी लाइव फोटोज़ को मैक में ही एडिट कर सकते हैं, या फिर आईफोन की फाइल्स को आप अपने मैकबुक में भी ओपन कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें एंड्रॉयड और अदर लैपटॉप्स की, तो उनको कनेक्ट करना विद कंपेयर टू आईफोन थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। रीज़न नंबर 8, एप्पल पे। वेल, एंड्रॉयड पे और सैमसंग पे के कंपैरिजन में एप्पल पे ज़्यादा बेटर माना गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि एप्पल पे में अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप सबसे ज़्यादा ईजी तरीके से उसकी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन को एक सपोर्टेड टर्मिनल के पास लाना होगा, और सिंपली अपने फिंगरप्रिंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आईफोन एक्सेस में आपको सिर्फ अपने साइड बटन को दो बार प्रेस करना है, और उसके बाद अपनी फेस आईडी से आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। और वहीं पर अगर बात करें एंड्रॉयड फ़ोन में पेमेंट की, तो उसका प्रोसीजर विद कंपेयर टू आईफोन थोड़ा ज़्यादा लंबा है और थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। रीज़न नंबर 9, सिक्योरिटी। वेल, हमेशा से ही आईफोन सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा है। जहाँ पर आप एंड्रॉयड में कोई भी मॉड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आईफोन में आप कोई भी मॉड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ एंड्रॉयड हैक किए जा सकते हैं, वहीं पर आईफोन को हैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर में भी ऐसी कई ऐप्स हैं जो कि आपके स्मार्टफोन के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। बट वहीं पर अगर बात करें एप्पल स्टोर की, तो वहाँ पर ऐसी कोई भी ऐप्स नहीं है जो कि आपके फ़ोन को इन्फेक्ट कर सकती है। वैसे ज़्यादातर लोग आईफोन इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एंड्रॉयड से ज़्यादा सिक्योर होता है। रीज़न नंबर 10, बेटर आईफोन कैमरा। वेल, आजकल के एंड्रॉयड फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, बट आपने देखा होगा कि उनके मेगापिक्सल्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। वहीं अगर बात करें एप्पल आईफोन की, तो आपने देखा होगा कि उनके मेगापिक्सल्स कम होते हैं, बट एक्चुअली में वो एंड्रॉयड से ज़्यादा बेटर फ़ोटोज़ क्लिक कर पाते हैं। चाहे बात हो वीडियो रिकॉर्डिंग की, या फिर लाइव फ़ोटोज़ की, या फिर स्लोमो वीडियोज़ की, आईफोन कैमरे को अभी तक कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन बीट नहीं कर पाया है। इवन दो इसके अलावा फ़ोटो कैप्चरिंग के लिए जो भी सेंसर्स आईफोन यूज़ करता है, उस तरह के सेंसर्स कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। इसी कारण से एंड्रॉयड उतने अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाता है। वेल, भले ही जितने भी रीजंस मैंने आपको बताए हैं उसमें एंड्रॉयड आईफोन से भले ही पीछे है, बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एंड्रॉयड फ़ोन ही खरीदें, क्योंकि अभी ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर एंड्रॉयड आईफोन से भी ज़्यादा बेटर है। वेल, आईफोन को यूज़ करने में आखिर कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर इसके कौन से बेनिफिट्स हैं, तो ये तो सिर्फ आईफोन यूज़र्स ही बता सकते हैं। आई होप जितने भी रीजंस मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।